अब इनमें भी आगे क्या होगा, और आगे बढ़ाओगे आप फिर क्या होगा, और आगे बढ़ाते जाइए और बढ़ाते जाइए, तो फिर से वही इसके साथ जाएगा, कैसा वाला, ये आपका, ये इस तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो आपको याद रखना है पोलर कौन से कहलाएंगे जिनमें पार्शियली चार्ज होता है, मतलब कि ऐसे HCl, H2O, और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आप देख लीजिए, ठीक है। और जो नॉन पोलर होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें पार्शियली चार्ज नहीं होता है, तो उनका सेंटर क्या होता है, वो एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। ओके, तो ये हमारे थे क्या, डायलेक्ट्रिक और इनडायलेक्ट्रिक के इफेक्ट। अब परमिटिविटी, मतलब कि किसी की भी परमिटिविटी, कितना परमिट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। अगर हम बात करें कि हम अगर एयर की बात करें, तो एयर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें कि एयर पोलराइज नहीं होगी, तो 10^6 वोल्ट पर मीटर तक एयर की परमिटिविटी है, मतलब एयर इतना परमिट कर देगी कि इतने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक क्या नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर एयर में फैला दिया, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने एयर में फैला दिया, तो एयर से भी क्या होने लगेगा, आपका जो चार्ज है वो फ्लो होने लगेगा। 10^6 ह्यूज अमाउंट, डोंट वरी। तो मतलब कि इसी तरीके से हर एक मीडियम के, डाइलेक्ट्रिक के मीडियम के पास क्या होती है, एक परमिटिविटी, एक लिमिट होती है, उसके आगे अगर आपने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या हो जाएगा, आपका वो चार्ज को लीक कर देगा, चार्ज को पास कर देगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द डायलेक्ट्रिक, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायलेक्ट्रिक, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द कैपेसिटर।